में असेंबली, एक भी असेंबली ऐसी दिखी है जिसका सत्र अवसान ही न हो? एक असेंबली देश में ऐसी है दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की जिसका सत्र अवसान ही नहीं होता है। किसी को गाली गलौज करना है तो आधे दिन का सत्र बुलाकर गाली बोलकर फिर से सत्र निलंबित कर दे। किस व्यवस्था का समर्थन कर रहे हो माननीय अध्यक्ष जी? 2023 में भी एक सत्र बुला गया बजट सत्र, इसके अलावा विधानसभा ही नहीं बुलाई माननीय अध्यक्ष जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली विधानसभा देश की एक लौती ऐसी विधानसभा है जहां सत्र अवसान होते ही नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल विधानसभा को अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी केजरीवाल को अपनी जिम्मेदारी से भागना होता है या कोई राजनीतिक भाषण देना होता है, केजरीवाल अपनी सहूलियत के हिसाब से सत्र बुलाते हैं और उसके बाद उसका समापन कर दिया जाता है। और क्या कुछ कहा अमित शाह ने, आइए सुनते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सभी दलों की कहीं न कहीं पार्टियां रही, मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि आपने असेंबली, एक भी असेंबली ऐसी दिखी है जिसका सत्र अवसान ही न हो? माननीय अध्यक्ष जी, सत्र आहूत होता है, आप सत्र अवसान यहां करते हो, राष्ट्रपति महोदया साइन करती है, सत्र का अवसान होता है, नए सत्र का फिर से आहूत किया जाए। एक असेंबली देश में ऐसी है दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की जिसका सत्र अवसान ही नहीं होता है, चालू ही रहती है। और जब भी पॉलिटिकल भाषण देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है, सदन के विशेषाधिकार का उपयोग करना है, किसी को गाली गलौज करना है तो आधे दिन का सत्र बुलाकर गाली बोलकर फिर से सत्र निलंबित कर देते हैं। सत्र का अवसान ही नहीं होता है माननीय अध्यक्ष, ऐसी कोई सरकार देखी है आपने? मैं इसलिए कह रहा हूं, इनको बताता हूं आप किसका समर्थन कर रहे हो, किस व्यवस्था का समर्थन कर रहे हो माननीय अध्यक्ष जी। और देश की जनता को यह सब मालूम है। और एक कैबिनेट के अधिकारों की बात कर रहे हैं, असेंबली के अधिकारों की बात कर रहे हैं। 2020 में दिल्ली विधानसभा का एक ही सत्र बुलाया गया, बजट सत्र, जिसमें 5 बैठकें हुई, 2 दिन का, जो मजबूरी है बजट पारित कराना है। 21 में भी एक ही सत्र बुलाया गया, बजट सत्र, जिसमें 3 दिन की बैठक करी, 4 बैठकें करी, वो बजट सत्र था, मजबूरी है। 2022 में एक ही सत्र बुलाया गया, बजट सत्र, क्योंकि मजबूरी है बजट पारित करना है। और 2023 में भी एक सत्र बुलाया गया, बजट सत्र, इसके अलावा विधानसभा ही नहीं बुलाई माननीय अध्यक्ष जी। अरे विधानसभा के अधिकारों की, हमारे विपक्षी दल के मित्र कौन से अधिकार भाई, विधानसभा बुलानी है नहीं है। इस खबर में अभी के लिए इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।